आपको अनेमिया हुआ है, और जैसे कि आपको आयरन और फोलिक की डिफिशियंसी है, या जैसे कि आप लैक्टेटिंग मदर हो, या जैसे कि आप प्रेग्नेंट वेमेन हो, तो ये आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकता है, जैसे कि लियोजिन कैप टैप। तो इससे कब डॉक्टर आपको रिकमेंड करते हैं, या कब आपको इसे लेना चाहिए, कैसे ये आपको हेल्प करता है, क्या डोज हो सकता है, कितना दिन तक ले सकते हैं, तो अगर आप ये पूरी जानकारी हिंदी में रखना चाहते हैं जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकती है, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। और जैसे कि आप अपडेटेड रहना चाहते हैं और बहुत सारे मेडिसिन से जुड़ी जानकारी से, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो लियोजेन टैबलेट जो है, इसके अंदर जो मॉलिक्यूल है वो आयरन है और फोलिक एसिड है। तो आयरन फोलिक एसिड जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है आपके जो कि रेड ब्लड सेल्स के फॉर्मेशन में और हीमोग्लोबिन के सेल्स के फॉर्मेशन में। तो जब आपको एनीमिया रहती है तो उसमें ब्लड की कमी रहती है, और जिसे उसी ब्लड की समस्या को दूर करने के लिए इसे इस्तेमाल किया जाता है। जब आप प्रेग्नेंट रहती हैं तो पहले आप सिंगल थे तो आपको चलो ठीक है, जो मिल रहा था आयरन फोलिक एसिड वो काफ़ी अच्छा था, लेकिन जब प्रेग्नेंट हो जाती है तो आपको रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, तो वह आपको सिंपल खाने से नहीं मिल पाती है डाइट से, तो उस समय डॉक्टर आपको इसे रिकमेंड करते हैं। तो जैसे कि आपका जो बच्चे का भ्रूण में डेवलपमेंट रहता है उसका अच्छे से हो, यानी जिसका स्पाइनल का अच्छे से डेवलपमेंट हो, और उसका ब्रेन का अच्छा डेवलपमेंट हो, और जैसे कि उसको न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट की जो रहती है समस्या वह दूर रहे, तब डॉक्टर इसे देते हैं। और जैसे कि आपको आयरन फोलिक की डिफिशियंसी रहती है तब इसे डॉक्टर देते हैं, या जैसे कि आप प्रेग्नेंट आपकी डिलीवरी हो चुकी है जिसमें आपको समस्या है अनिमिया का, तब डॉक्टर इसे देते हैं। तो इसका ओडी डोज रहता है, और खाना खाने के पहले या खाना खाने के बाद ले सकते हैं। और जैसे कि इसे लेना चाहते हैं तो एक बार डॉक्टर से जरूर इसके बारे में कंसल्ट करें, गायनिकोलॉजिस्ट से या आपके फैमिली फिजिशियन डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें, उसके बाद ही ले, बिना डॉक्टर की सलाह से इसे ना लें। अगर आप लेंगे तो हो सकता है ये कॉमन साइड इफेक्ट देखने को आए, जिसमें आपके दांतों के बाजू में कालापन देखने को मिल सकता है, और जैसे कि आपके पेट में गैसेस बन सकती है, जैसे कि फ्लैटुलेंस, एसिडिटी बढ़ सकती है। तो इसलिए डॉक्टर से जरूर एक बार डिस्कस कर उसके बाद ही लें। तो अगर आप वीडियो और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं, वीडियो आपको जरा सा भी इंफॉर्मेटिव लगी है तो एक लाइक कर दीजिएगा, और जैसे कि आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं फ्यूचर में, और जैसे कि मुझे इनकरेज करना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो डाउट है कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यह वीडियो एक एजुकेशन नॉलेज पर्पज के लिए बनाई गई है।